हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। इधर देखा कौन है। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। मुझे गाइस नहीं पता कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मेरा ब्लॉग कैसा बनने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये ब्लॉग अच्छा ही बनाऊँ ताकि आप लोग के दिल में कुछ जगह बना सकूँ। और मुझे पता है गाइस कि मैं पहली बार में आप लोगों के दिल नहीं जीत सकता, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे कुछ वक्त चाहिए होगा और ताकि मैं आप लोग को थोड़ा समझ सकूं और आप लोग भी मुझे कुछ वक्त दें ताकि आप लोग भी मुझे समझ सके। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अच्छा ही आएगा और अच्छे टॉपिक पर लाऊँगा ताकि मैं आप लोग का दिल जीत सकूँ। और मुझे इस पर भरोसा है कि आने वाले वक्त में मैं आप लोग का दिल जरूर जीत लूँगा। मुझे मतलब खुद पर भरोसा है, मैं आने वाले वक्त में आप लोग का दिल जीत लूँगा। और गाइस जैसे कि मैंने इस वीडियो में सोचा था कि मतलब बहुत कुछ लिख के रखा था, मानो स्क्रिप्टेड था बहुत कुछ, लेकिन जैसे ही मैं कैमरे के सामने आया सारा कुछ गोल हो गया भाई, सब कुछ भूल गया मैं। मुझे समझ नहीं आने लगा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन जो भी है जैसा भी है मुझे जो समझ आया गाइस मैंने आप लोग से शेयर किया। और अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ। तो गाइस इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। हेलो गाइस, तो आप लोग को मैं अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। आगे तक दिखा दो भाई। और इस साइड का भी नज़ारा दिखा दूँ। आई होप आप लोग को ये सीन बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो सीन है गाइस मेरे स्कूल के पीछे का है, मैं इसके आगे एक रोड साइड में SB स्कूल नाम है उसका, मैं उसी स्कूल में पढ़ता था, मैं उसी के पीछे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला था अपने बारे में, तो गाइस आप लोग सोचते होंगे कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है, सीधा ब्लॉग बनाने आ गया है। तो आप लोग को मैं अपने बारे में बता दूँ कि गाइस मेरा नाम मोहम्मद शोएब है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरी नानी। और मैं गाइस पढ़ाई भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, अपना घर भी मैं ही चलाता हूँ। तीनों काम मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने गाइस फैसला किया है कि पढ़ाई, जॉब, उसके साथ साथ ब्लॉग भी रेगुलर लाता रहूँगा और इंशाल्लाह आप लोग का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसा कि गाइस मैंने बताया कि मैं अभी खुद के बारे में बताऊंगा, तो मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सेमेस्टर 5 में अभी मैंने एडमिशन ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है मेरी। तो इंशाल्लाह बस ग्रेजुएशन के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी मुझे, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है मुझे। पर ब्लॉग मैं लगातार डालता रहूँगा क्योंकि गाइस मेरा एक ही सपना है, बस अपने मॉम को मतलब वो हर चीज़ पूरा कर सकूँ जो भी वो चाहती है। और छोटा सा नज़ारा जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा फेवरेट प्लेस है, आपको दिखाता हूँ, चलिए। और गाइस हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं अपने प्लेस पे जो मेरा फेवरेट प्लेस है। देखिए गाइस अब हम लोग बस पहुँच ही गए हैं। ये देखिए गाइस ये हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट प्लेस की ओर। ये वो जगह है जहाँ पे मैं शाम में या दोपहर में आके उठता बैठता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। शाम में और भी अच्छा फील होता है मुझे यहाँ बैठने के लिए। आप लोग क्या मेरे दोस्त लोग भी 6 बजे के बाद कॉल करते हैं तो मैं यहीं बैठा रहता हूँ, यहाँ मुझे अच्छा फील होता है। और ये जो जगह है गाइस ये झारखंड की है, झारखंड धनबाद, मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। धनबाद के अंदर एक एरिया आता है झरिया, झरिया में एक जामाडुबा एरिया है, बस उसी के सामने जो जैसा कि मैंने बताया था SB स्कूल, उसी के पीछे ही है ये प्लेस। तो गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और छोटा भाई को अपना सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए ना, मचा दीजिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही तगड़ा लाने वाला हूँ, बस सपोर्ट करिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करके जाइए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली।